तो देखिए, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग बात करने से कतराते हैं। अगर मैं अपनी मेमन बिरादरी के हवाले से यूथ के लिए सबसे ज़्यादा सबसे जो बड़ा काम है जो करना चाहिए, अगर वो काम नहीं कर पाते हम लोग तो फिर बाकी सब काम मेरे हिसाब से बेकार हो जाते हैं। वो काम क्या है कि हमारी लैंग्वेज, हमारी मेमन लैंग्वेज हमारी यूथ को सिखानी पड़ेगी या उनको उस तरफ लाना पड़ेगा कि अपनी ज़बान सीखो, क्योंकि आज इनको इन चीज़ का एहसास नहीं है। अगर वो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24, 26 साल के हैं, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। जब वो 40, 45, 50 साल के होंगे तो उनको बहुत अफसोस होगा कि हमने अपनी ज़बान गंवा दी। तो मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज और सबसे ज़्यादा मैं काम करना चाहता हूँ वो हमारी मेमन लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहता हूँ। उसके बाद तो देखें, बाकी चीज़ें तो आपको दुनिया के साथ सब नज़र आ रहा है कि यूथ के साथ क्या करना है, स्पोर्ट्स में इनको किस तरह लेकर जाना है। क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स में यूथ को लेकर आ जाते हैं तो उसके साथ उनकी फिजिकली फिटनेस और मेंटली फिटनेस दोनों उनको मिल जाएगी। वो जो आज का दौर है, जो कराची के हवाले से बताऊँगा मैं, कि हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ें खाई पी जाती हैं यूथ के अंदर जो इनको फिजिकली डैमेज कर देती है। और अगर लेकिन अगर हम इनको स्पोर्ट्स में ले आएंगे तो अपने आप को फिजिकली काफ़ी फिट कर पाएंगे और उन चीज़ों से अवॉइड करेंगे खाने पीने से जो इनकी इनकी हेल्थ को डैमेज करेगी। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो बेसिक दो चीज़ें हैं, अगर हमारी लैंग्वेज हम बचाते हैं इनके ज़रिए, क्योंकि कल तो यही होंगे, हम तो होंगे नहीं, हम इनके ज़रिए अपनी लैंग्वेज बचाते हैं और दूसरा इनको फिज़िकली फिटनेस और मेंटली फिटनेस की तरफ लेकर जाते हैं, तो बाकी सब काम, बाकी सब टारगेट हम आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर ये दो चीज़ अगर हम गवा देंगे, फिज़िकली फिटनेस अगर गवा दी हमारी यूथ ने और हमारी लैंग्वेज गवा दी, तो हम कुछ नहीं कर पाए।